नेक्स्ट जो है दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में एरियल पार्ट, दैट इज द फाइनल पार्ट. हम लोगों ने अब तक पढ़ा अंडरग्राउंड एंड सब एरियल मॉडिफिकेशन. दिस इज द थर्ड एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जिसमें तुम लोग को याद रखना है TT टाइम टेबल, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का. मैथ्स मेरे को पसंद नहीं तो रखा भी नहीं है, तो सिर्फ TT PCB. टी से पहला पार्ट जो है दैट इज टेंड्रिल, तो दिस इज स्टेम टेंड्रिल. नेक्स्ट टी से है थॉर्न, देन पी से फाइलोक्लैड या क्लैडोफिल भी होता है. नेक्स्ट है सी से क्लैडोड एंड लास्ट है बल्बिल. बल्बिल, तो दिस आर द फाइव एरियल मॉडिफिकेशन. मतलब कंप्लीटली ये इरेक्ट प्लांट पार्ट्स रहेंगे. ये इरेक्ट प्लांट पार्ट्स एयर के कॉन्टैक्ट में, टेंड्रिल, थॉर्न, फाइलोक्लैड, क्लैडोड एंड बल्बिल. ठीक है, फर्स्ट ले लेते टेंड्रिल. तो टेंड्रिल का जो पार्ट होगा यहाँ पे स्टेम और ऐसा लीफ, इसके बीच में जो एंगल बनता है द स्टेम या लीफ या फिर स्टेम और ब्रांच के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग बोल लेते हैं एक्सिल. क्या बोलते हैं? एक्सिल. और वहां पे ऐसा एक बड डेवलप होता है, उस बड को हम लोग बोल लेते हैं एक्सिलरी बड. बराबर, तो यहाँ पे टेंड्रिल में ये जो एक्सिलरी बड होगा दैट एक्सिलरी बड इज मॉडिफाइड इन टू थिन कॉइल्ड एंड वायरी स्ट्रक्चर, सो दैट इज नोन एज स्टेम टेंड्रिल. तो एक बर्ड से डेवलप हुआ है इसके लिए स्टेम का मॉडिफिकेशन है. ऐसा ही थिन कॉइल वायरी रूट्स रूट में भी था जिसको हमने बोला क्लाइंबिंग रूट्स, यहाँ पे इसको बोले टेंड्रिल. सो यहाँ पे मॉडिफिकेशन में हुआ क्या है, दी एक्सिलरी बर्ड इज मॉडिफाइड इनटू थिन कॉइल्ड एंड वायरी स्ट्रक्चर. और ये वायरी स्ट्रक्चर करेगा क्या, ये प्रोवाइड करेगा मैकेनिकल सपोर्ट ही. तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा. प्लस इसमें देर इज प्रेजेंस ऑफ सर्टन एधेसिव ग्लैंड्स, और ये एधेसिव ग्लैंड्स ऐसा सिक्रीशन रिलीज करेंगे जो हेल्प करेगा फिक्सेशन को, मतलब सपोर्ट के लिए ये हेल्प करेगा टेंड्रिल. तो टेंड्रिल जिन प्लांट्स में ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है उसमें एक एग्जांपल है पैसीफ्लोरा. ये एग्जांपल तुम लोग को याद रखना है, पैसीफ्लोरा जिसको बोलते हैं पैशन फ्लावर, पैसीफ्लोरा या पैशन फ्लावर. इसका ये टेंड्रिलर पार्ट होता है. ऐसा बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट के सर पे ऐसा टेंड्रिलर पार्ट जो रखा है वो ये पैशन फ्लावर का है, पैसीफ्लोरा. तो उसमें से टेंड्रिलर जो है दैट इज अ स्टेम टेंड्रिल. दूसरा इसमें एग्जांपल है वाइटस विनीफेरा, मतलब ग्रेप वाइन्स, ग्रेप्स के जो प्लांट होते हैं उसमें भी ऐसा टेंड्रिलर पार्ट डेवलप होता है. उसके अलावा एग्जाम्पल है कुकुरबिट्टा, कुकुरबिट्टा एंड एंटीगोनॉन. तो ये सब एग्जाम्पल्स याद रखने, दिस आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट शोइंग स्टेम टेंड्रिल. ठीक है, जहाँ पे एक्सिलरी बड हैज बिन मॉडिफाइड. थॉर्न, अभी थॉर्न का जो पार्ट होता है उसमें जो एक्सिलरी बड होगा, जैसा यहाँ पे एक्सिल पर डेवलप हुआ, ये एक्सिलरी बड डेवलप्स इनटू अ शार्प एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर. सो दिस शार्प एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर इज नोन एज अ थॉर्न. याद रखना, शार्प एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर अगर स्टेम का मॉडिफाई होता है तो उसको बोलते हैं थॉर्न. अगर लीफ का स्ट्रक्चर शार्प एंड पॉइंटेड हुआ तो उसको बोला जाएगा स्पाइन्स. तो लीफ का बोला जाता है स्पाइन, स्टेम का पार्ट हुआ तो थॉर्न. तो हम लोग लीफ में एक मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, लीफ स्पाइन. सो यहाँ पे थॉर्न डेवलप कैसे हुआ है, अगेन यहाँ पे मॉडिफाई क्या हुआ है, एक्सिलरी बड इज मॉडिफाइड इन टू अ शार्प एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर. प्लांट्स ऐसे ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स मतलब थॉर्न डेवलप क्यों करते, इनका फंक्शन होता है, फंक्शन होता है इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रेजिंग और ब्राउजिंग एनिमल्स. वो एनिमल्स उनको खा ना जाए इसके लिए प्लांट भी अपने डिफेंस के लिए ऐसे थॉर्न्स को प्रोड्यूस करते, तो उनमें भी ऐसा मॉडिफिकेशन देखा गया है. एग्जाम्पल है BCD, ABCD का BCD है. बी से है प्लांट का नाम बोगनविले, बोगनविले के ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं लेकिन उसमें ऐसा थॉर्न का प्रेजेंस होता है. सी से है सिट्रस, खट्टे प्लांट्स, ऑरेंज वगैरह जो सिट्रस फ्रूट्स है उनमें भी. एंड डी से है दुरांता, दुरांता. तो बोगनविले, सिट्रस एंड दुरांता में एक्सिलरी बड इज मॉडिफाइड इन टू अ थॉर्न. ठीक है, दिस आर ऑल एरियल मॉडिफिकेशंस, टोटली एयर के कॉन्टैक्ट में. नेक्स्ट है फाइलोक्लैड. अभी इस प्लांट में क्या होता है ना कि लीफ जो होते हैं वो ऐसे शार्प एंड पॉइंटेड हो जाते हैं, मतलब लीफ क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया इनटू लीफ स्पाइन्स.
ये लीफ स्पाइंस में उन प्लांट्स में ऐसा कन्वर्ट हो जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी स्केयरसिटी ऑफ वाटर है, मतलब डीज आर डेजर्ट प्लांट्स। तो और डेजर्ट प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं एज ज़ेरोफाइट्स, ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स। तो अभी ऑलरेडी वहाँ पे स्केयरसिटी ऑफ वाटर है, तो ट्रांसपिरेशन होगा तो और वाटर लॉस होगा, सो दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज वाटर। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, लीफ को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू स्पाइंस। तो लीफ स्पाइंस में क्यों कन्वर्ट हुआ, टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन और टू चेक ट्रांसपिरेशन। नाउ अगर लीफ स्पाइन में कन्वर्ट हो गया तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, तो फोटोसिंथेसिस करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है उनका स्टेम का पार्ट। तो उनमें जो स्टेम होगा, दैट स्टेम बिकम्स ग्रीन एंड फ्लैट एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली ऐसा स्टेम जो ऐसा फोटोसिंथेसिस करे उसको हम लोग बोल लेते हैं एज फाइलोक्लैड। तो यहाँ पे फिल का मतलब क्या है, क्लोरोफिल से रिलेटेड ये वर्ड लिया गया है, जहाँ पे द स्टेम इज परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे ज़ेरोफाइटिक अडेप्टेशन दिखाने वाले प्लांट्स जिनमें स्टेम फोटोसिंथेसिस करता है उसका एग्जांपल है अपनशिया, कैक्टस अपनशिया। उसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल में यूफोरबिया, म्यूलेनबेकिया। तो दिस आर दी सर्टन एग्जाम्पल्स ऑफ ज़ेरोफाइटिक प्लांट जिनमें फाइलोक्लैड ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन क्लैडोड। अभी क्लैडोड में क्या होता है, ये स्टेम, उसका ब्रांच और उस ब्रांच पे दूसरे फर्दर ब्रांच डेवलप होते हैं, और ये ब्रांचेस जो होते हैं, दीज ब्रांचेस दे बिकम ग्रीन एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो अगर ऐसा ब्रांच जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करे तो ऐसे ब्रांचेस को हम लोग बोल लेते हैं एज क्लैडोड। सो क्लैडोड इज नथिंग बट ब्रांचेस। तो अगर स्टेम फोटोसिंथेसिस करे तो फाइलोक्लैड, ब्रांच करे तो क्लैडोड। पूछा जाएगा ये ब्रांच का लेंथ कितना होता है, तो तुम लोग को याद रखना है इस ब्रांच का लेंथ होता है 1 इंटरनोड लॉन्ग। द ब्रांचेस आर 1 इंटरनोड लॉन्ग, मतलब अगर ये यहाँ पे नोड है तो ये 1 इंटरनोड का जितना साइज है उतने साइज के ये ब्रांचेस के लेंथ होते हैं। So that is the cladode. Example of such plants which shows cladode is asparagus. Asparagus पहले भी हम लोग ने discuss किया है, इसका हमने discuss किया है fasciculated tuberous root, Dehlian asparagus आया था। तो यहाँ पर asparagus में cladode भी आता है, तो correlation तुम लोग को याद रखना है, नहीं तो नीट में फटाफट strike नहीं होगा। Next है bulbil। एक हम लोगों ने पढ़ा था bulb अलग था, onion garlic, यहाँ पर bulbil। bulbil में क्या होता है कि जो axillary bud है, एक्सिलरी बर्ड क्या होता है जो यहाँ पे एंगल पे मिला, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड बिकम स्वोलन एंड फ्लैशी। तो बल्बिल जो है इट इज बेसिकली द एक्सिलरी बर्ड विच हैज बीन मॉडिफाइड इनटू स्वोलन एंड फ्लैशी स्ट्रक्चर, एंड दैट स्वोलन एंड फ्लैशी स्ट्रक्चर वी कॉल इट एज बल्बिल। जैसे ही इसका वेट बढ़ेगा, दिस बल्बिल इज गोइंग टू फॉल ऑन टू द ग्राउंड एंड सॉइल में बाद में वो जर्मिनेट होगा और नया डॉटर प्लांट का डेवलपमेंट करेगा। तो ये भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प कर सकता है। एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट विच शो सच मॉडिफिकेशन इज डायोस्कोरिया। तो डायोस्कोरिया ये एग्जाम्पल याद रखना है। तो टाइम टेबल पीसीबी का, टेंड्रिल, थॉर्न, फाइलोक्लैड, क्लैडोड एंड बल्बिल, ऑल ऑफ देम आर एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो टोटल हम लोग ने अंडरग्राउंड में 4 मॉडिफिकेशन पढ़े, सब एरियल में 4 और एरियल में 5, मतलब 13 मॉडिफिकेशन अब तक डिस्कस हुए, 13 के 13 मॉडिफिकेशन कंप्लीट हुए।